Hello friends, welcome to Capstone Learning. So now we are going to see daily current affairs for 6th of April. So this is the first news. India dropped 10 ranks to 51st position in Economist Intelligence Unit. तो ये democracy index की बात हो रही है यहाँ पे. अब हम देखते हैं कि इसके अंदर question हम कैसे बनाएंगे. First of all हम कुछ analysis करते हैं कि index से related question कैसे UPSC पूछता है. तो प्रीलिम्स 2017 में डायरेक्ट क्वेश्चन था कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स कौन सी ऑर्गेनाइजेशन रिलीज करती है. 2018 में भी डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन था कि रूल ऑफ लॉ इंडेक्स कौन सी ऑर्गेनाइजेशन रिलीज करती है. तो अब हम क्वेश्चन जब बनाएंगे तो डेमोक्रेसी इंडेक्स इज रिलीज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, डायरेक्ट क्वेश्चन हम यहां पे बना सकते हैं. तो हमें यह मालूम होना चाहिए कि यह इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट जो है यह रिलीज करता है. ये क्या है, द इकोनॉमिस्ट करके एक बहुत ही पॉपुलर मैगजीन है, उसी का ये एक यूनिट है, दैट्स इट. और किसी कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के साथ इसका कुछ भी लेना देना नहीं है. ग्रीन पुश, इंडिया स्पेंड ऑन फार्मर्स टचेस 46 बिलियन. तो इंडिया की स्पेंडिंग फार्म सेक्टर के ऊपर 46 बिलियन तक पहुंच गई है. तो इसके अंदर अब ये न्यूज में कैसे है, तो एक इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो ध्यान देने वाली है वो है एग्रीमेंट्स ऑन एग्रीकल्चर. तो एग्रीमेंट्स ऑन एग्रीकल्चर बेसिकली है क्या, तो ये WTO का एक इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है. और इसके अंदर एक और चीज इंपॉर्टेंट है, वो है पीस क्लोज. तो पीस क्लोज क्या होता है, अब हम ये सारी चीज जानेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि कैसे प्रीलिम्स के ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा हुआ है. उन्होंने डायरेक्ट पूछा था कि एग्रीमेंट्स ऑन एग्रीकल्चर, एग्रीमेंट्स ऑन एप्लीकेशन ऑफ सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स, पीस क्लॉज अपीयर इन न्यूज फ्रीक्वेंटली इन कंटेक्स्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन. तो डायरेक्ट क्वेश्चन था और WTO से इसका डायरेक्ट रिलेशन था, ठीक है, 2015 प्रीलिम्स का है. अब इसके अंदर एक सबसे जो काम की चीज है वो है कि जो ये एग्रीमेंट्स ऑन एग्रीकल्चर है इसके अंदर कुछ प्रोविजन है कि सब्सिडी कितने परसेंट दी जा सकती है. तो सब्सिडी जो है वो 10% ऑफ द टोटल क्रॉप प्रोडक्शन के लिए जितना अमाउंट लगता है उसका 10% तक आप सब्सिडाइज कर सकते हो. तो हुआ क्या कि राइस की सब्सिडी के ऊपर यहां पे प्रॉब्लम हो गई कि टोटल जो राइस की प्रोडक्शन है उसकी वर्थ निकाली गई थी $43 बिलियन और इंडिया ने सब्सिडी दे दी $5 बिलियन, ठीक है. टोटल राइस की प्रोडक्शन की कीमत लगाई गई $43 बिलियन और इंडिया ने सब्सिडी दे दी $5 बिलियन. तो $5 बिलियन जो है वो किसने से, वो ग्रेटर देन है किसने से, 10% से ज्यादा है वो, ठीक है, 4.3% या उससे कम होना चाहिए था, लेकिन यहां पे बहुत ज्यादा हो गया. 10% जो होता है अमाउंट उससे ज्यादा निकल के आ गया है $5 बिलियन. तो इसको लेके जो है अब प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि ये अलाउड नहीं है. साथ साथ इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज है कि पीस क्लोज, ठीक है, प्लीज पीस क्लोज क्या होता है कि स्पेशल सर्कमस्टांसिस में डेवलपिंग कंट्रीज जो 10% सब्सिडी की जो लिमिट है इसको ब्रीच कर सकते हैं, ठीक है, स्पेशल सर्कमस्टांसिस में. तो 10% सब्सिडी की लिमिट को जो है इसको ब्रीच कर सकते हैं कितने, किस केस में, पीस क्लोज का यूज करके. और ये डेवलपिंग कंट्रीज के पास एक टूल है. तो इंडिया ने फर्स्ट टाइम पीस क्लोज का यूज किया है यहां पे, इसलिए बात न्यूज में आ गई थी. तो आपको सिर्फ इतना ही जानना है इसके अंदर. एक इंपॉर्टेंट चीज है कि 10% तक सब्सिडी दे सकते हैं और स्पेशल सर्कमस्टांसिस में पीस क्लोज के अंडर उसको ब्रीच भी कर सकते हैं. और प्रेजेंट सिनेरियो के अंदर अगर हमें मालूम होगा तो कोरोना क्राइसिस चल रहा है, ठीक है, तो कोरोना के अंदर तो और ज्यादा चांस है कि ये सब्सिडी और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी. तो हमें ये चीजें ध्यान रखनी है. इंडिया रैंक 76th ऑन WEF सोशल मोबिलिटी इंडेक्स. तो हमें डायरेक्टली पता लग गया कि सोशल मोबिलिटी इंडेक्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है वो रिलीज करता है. पहले इंफॉर्मेशन ये काम की पता लग गई. फिर टॉप कंट्री कौन सा है, डेनमार्क जो है उसने टॉप किया है इसके अंदर, तो ये भी आपको ध्यान रखना है. अब इसके अंदर जो ये 5 पैरामीटर्स हैं, ठीक है, हेल्थ, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, वर्क, प्रोटेक्शन, इंस्टीट्यूशंस, ओके, तो ये 5 जो ब्रॉडर पैरामीटर्स हैं और उसके साथ साथ 10 पिलर्स बताए गए हैं. 5 ब्रॉडर की डायमेंशंस हैं
और 10 पिलर्स हैं, तो आपको थोड़ा सा इसका आइडिया होना चाहिए, क्योंकि 2019 प्रीलिम्स के अंदर उन्होंने इसी टाइप का कुछ क्वेश्चन पूछ लिया है। बेसिकली उन्होंने सब पैरामीटर्स, ठीक है, सब पैरामीटर्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो जब हम इसको देखते हैं, प्रीलिम्स 2019 का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब इंडेक्स ओके ऑफ वर्ल्ड बैंक्स ईज ऑफ डूइंग इंडेक्स। तो ये अब सब पैरामीटर के ऊपर एक क्वेश्चन था, तो उसी हिसाब से आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि सब पैरामीटर भी आपको थोड़े ध्यान रखने हैं। इसरो इनिशिएट्स प्रोजेक्ट नेत्रा टू सेफगार्ड इंडियन स्पेस एसेट्स फ्रॉम डेब्रिस एंड अदर हार्म्स। ओके, तो ये हमें पता लग गया, प्रोजेक्ट नेत्रा जो है ये इसरो का प्रोजेक्ट है, और स्पेस के अंदर जो डेब्रिस, जो टूटे हुए पार्टिकल्स होते हैं सैटेलाइट वगैरह के, वो रोटेट करते रहते हैं, तो उनसे जो है अपनी सैटेलाइट्स को हमें प्रोटेक्ट करना होता है कि वो अगर टक्कर खा जाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी इससे। तो उसको रोकने के लिए प्रोजेक्ट नेत्रा करके एक सिस्टम जो है वो डेवलप किया गया है। तो नेत्रा की फुल फॉर्म होती है नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट्स ट्रैकिंग एंड एनालिसिस। ओके, ये इसरो का एक प्रोग्राम है, और क्या कर सकता है कि 3400 किलोमीटर पहले से ही ये प्रीएम्प्ट कर लेगा कि कुछ ऐसा पार्टिकल आ रहा है, कोई कुछ जो है, पहले अर्ली वार्निंग सिस्टम है बेसिकली ये एक। ओके, तो आपको ये ध्यान रखना है, और 2000 किलोमीटर का जो हाइट है उस ऑर्बिट के आसपास ये एक्टिविटी को पहले ही बता देगा। अगर हम क्वेश्चन की बात करें, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्रोजेक्ट नेत्रा, दो प्रोजेक्ट वॉज इनिशिएटेड बाय इसरो, करेक्ट। दिस इज एन अर्ली वार्निंग सिस्टम फॉर इंडियन रेलवेज टू इम्प्रूव द सेफ्टी इन इंडियन रेलवेज ड्यूरिंग द फोगी वेदर। तो मैंने आपको बता दिया ये स्पेस डेब्रिस से इसका रिलेशन है, इंडियन रेलवे से कुछ रिलेशन नहीं है, तो इसका सही आंसर हो गया ओनली वन। इंडिया गोइंग टू पोर दिस मॉनसून प्रिडिक्ट द वेदर कंपनी। तो यहां पे इंडियन ओशियन डायपोल की बात हो रही है, ठीक है जी, तो आपको इसके बारे में थोड़ा आइडिया होना चाहिए, इंडियन ओशियन डायपोल। तो बेसिकली होता क्या है, ये आप देख रहे हो ये ईस्टर्न इंडियन ओशियन है, ये वेस्टर्न इंडियन ओशियन है। ओके, अब इसके अंदर टेम्परेचर का डिफरेंस होता है दोनों ईस्ट और वेस्ट के अंदर, तो जब पॉजिटिव इंडियन ओशियन डायपोल होगा तब वेस्टर्न ओशियन जो है वेस्टर्न, इसके ऊपर कुछ चीजें हमें देखने को मिलेंगी, और नेगेटिव होगा तब ईस्टर्न के ऊपर कुछ चीजें हमें देखने को मिलेंगी। ओके, तो हम अब पहले क्वेश्चन देखते हैं, उसके अंदर इस चीज को फाइंड आउट करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड ट्रू विद रिस्पेक्ट टू इंडियन ओशियन डायपोल, एंड इंडियन ओशियन डायपोल कैन आइदर एग्रवेट और वीकन द इंपैक्ट ऑफ अल नीनो ऑन इंडियन मॉनसून, करेक्ट। मान लो पॉजिटिव जब इंडियन ओशियन डायपोल होता है, ठीक है, तब मॉनसून अच्छी हो जाती है। ओके, मॉनसून इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। और जब नेगेटिव होता है तब मॉनसून वीक हो जाती है, नेगेटिव के अंदर वीक हो जाती है। तो जब हम स्टेटमेंट्स को देखते हैं, एंड इंडियन ओशियन कैन आइदर एग्रवेट और वीकन द इंपैक्ट ऑफ अलनीनो, तो ये बिल्कुल ठीक है। जब पॉजिटिव होगा और मान लो उस टाइम अलनीनो आ रहा हो, तो इंडियन ओशियन डायपोल जो है वो मॉनसून को अच्छा बना के रखेगा। इफ देर इज नेगेटिव इंडियन ओशियन डायपोल देन इट कैन ब्रिंग गुड रेन्स टू इंडिया, ये गलत है, क्योंकि पॉजिटिव इंडियन ओशियन डायपोल जब होता है तब गुड रेन्स आती है इंडिया के अंदर। ड्यूरिंग द नेगेटिव इंडियन ओशियन डायपोल द ईस्टर्न इक्वेटोरियल इंडियन ओशियन ऑफ सुमात्रा इन इंडोनेशिया बिकम्स एबनॉर्मली वार्म, वाइल द वेस्टर्न ट्रॉपिकल पार्ट ऑफ द ओशियन नियर द अफ्रीकन कोस्ट बिकम्स रिलेटिवली कोल्डर। तो ये ठीक है। अब इसके अंदर बेसिकली होता क्या है, जब नेगेटिव के अंदर ये वार्म हो जाता है, ठीक है, और ये ठंडा हो जाता है। अब ये ठंडा होगा, यहां पे लो प्रेशर नहीं बनेगा, तो मॉनसून विंड्स इधर नहीं जा पाएंगी। अब जब ये पॉजिटिव होता है तब ये एरिया वार्म हो जाता है। अब ये वार्म हो जाएगा, यहां पे लो प्रेशर बनेगा, तो उस टाइम पे मॉनसून बहुत ही अच्छे से ट्रेवल करेगी, बहुत अच्छे से, बहुत ज्यादा पानी हो जाएगा। तो ये है इन दोनों के बीच का डिफरेंस।
केरला पुलिस कम टू द एड ऑफ स्टार्विंग हेरॉन्स। अब यहां पे एशियन वाटर बर्ड सेंसस की बात की गई है, ठीक है, और हेरॉन एक वर्ड होता है और ऐसा कहा जाता है कि वो डिपेंडेंट किस पे होता है, वो बोट से और जो 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 रेजिड्यू होता है उस पे बेसिकली डिपेंडेंट होता है अपने सर्वाइवल के लिए। अभी लॉकडाउन चल रहा है तो वहां पे कोई भी फिशिंग इस टाइप की एक्टिविटी नहीं हो रही, तो इसलिए उनकी जान को अब थोड़ा खतरा है। तो अब केरला पुलिस ने इनकी हेल्प की है इस बर्ड की, हेरॉन की। अब यहां पे एशियन वाटर बर्ड सेंसस की बात की गई है, तो देखते हैं हम क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। एशियन वाटर बर्ड सेंसस 2019 शोड एन इंक्रीज इन द बर्ड काउंट फ्रॉम लास्ट ईयर, ऑलमोस्ट डबल दैट ऑफ 2017। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। द सेंसस इज कंडक्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट। ये गलत है क्योंकि इसे जो है वेटलैंड इंटरनेशनल, ओके, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है वो कंडक्ट कराती है, तो ये हमें मालूम होना चाहिए। इट इज अ पार्ट ऑफ ग्लोबल प्रोग्राम द इंटरनेशनल वाटर बर्ड सेंसस, ये करेक्ट है। और इसके अंदर एक और है, बॉम्बे की एक सोसाइटी है, ठीक है, वो भी इसके अंदर इन्वॉल्व होती है, तो इसका सही आंसर हो जाता है ओनली टू, बी। अब ये लार्जेस्ट सेंसस है, वेटलैंड इंटरनेशनल इसको ऑर्गेनाइज कराती है, इसके साथ साथ बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ये भी इसके साथ साथ काम करती है, इसको कोऑर्डिनेट करती है। अब आप यहां से कंफ्यूज मत हो जाना कि हिस्ट्री की बात हो रही है, तो यहां पे नेचुरल हिस्ट्री की बात हो रही है, उसके अंदर बर्ड्स भी काम इन्वॉल्व होते हैं, उसमें काउंट किया जाता है। तो ये कुछ कंसेप्ट हैं जो आपको याद रखने हैं। अब ग्रे हॉर्नबिल पीकॉक्स स्टॉक्स अमंग द बर्ड्स साइटेड एज नॉइस पॉल्यूशन गोज डाउन। तो यहां पे संजय गांधी नेशनल पार्क की बात हो रही है, ठीक है। अब संजय गांधी नेशनल पार्क कहां पे लोकेटेड है, ये है आपके मुंबई में, संजय गांधी नेशनल पार्क मुंबई में लोकेटेड है। तो अब लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है तो क्या हो रहा है, नॉइस पॉल्यूशन खत्म और जो वाइल्ड लाइफ है, जो बर्ड्स है वो एंजॉय कर रहे हैं अब। तो ये कुछ फायदे हैं जो हो रहे हैं। अब इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो कौन से स्टेट में लोकेटेड है, वैसा ही क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज संजय गांधी नेशनल पार्क लोकेटेड। तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, मुंबई के अंदर है मैंने आपको बता दिया, और महाराष्ट्र इसका स्टेट हो जाएगा, तो इसके अंदर कुछ भी चीज ऐसी नहीं है। आई होप दिस सेशन इज हेल्पफुल फॉर यू गाइस, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डू कमेंट। थैंक यू।